नेरुल सेक्टर 15 में गंगा जमुना अपार्टमेंट कार्यालय का हुआ उद्घाटन। पूर्व नगर सेविका शिल्पा कामली की मदद से हुआ कार्यालय का पुनर्निर्माण। नवी मुंबई के नेहरू सेक्टर 15 में गंगा जमुना अपार्टमेंट कार्यालय का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक सुरेश शेट्टी के हाथों संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इलाके में सामाजिक कार्य करने के लिए यही एक जगह है। यहां के रहवासियों को जो भी समस्या होती है उसका इस कार्यालय के माध्यम से समाधान हो जाता है, लेकिन पिछले साल यह कार्यालय टूट गया था। अब जाकर स्थानीय नगर सेविका शिल्पा कांबली और पूर्व नगर सेवक सुरेश शेट्टी की मदद से इस कार्यालय का पुनर्निर्माण हो गया है, जिससे हम पुनः अपने कार्य आसानी से कर पाएंगे। गंगा जमुना 1 से 14 नंबर बिल्डिंग का एसोसिएशन है, सेक्टर 15 नेरुल। इधर पिछले एक साल के पहले बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा बारिश से इधर का जो कंपाउंड वॉल का बिंत और एसोसिएशन का ऑफिस पूरा पानी में गिर गया था, पूरा दुरुस्ती हो गया। इसको बहुत दिन से जो एसोसिएशन का ऑफिस कार्यालय था उनका, वो काम करने के लिए तकलीफ था, ऐसे पेंडिंग पड़ा था। बाद में एसोसिएशन का पदाधिकारी अपने को मुलाकात किया, हम लोग सब मिलके इसको अभी अपना खुद का जो फंड से इसको 3 लाख तक खर्चा करके इसको दुरुस्ती करके एसोसिएशन को पुनर्बांधन करके दिया। जो पुनर्बांधन करके देने बाद आज प्रजासत्तात्मक गणतंत्र का दिन में इसका शुभारंभ के लिए आज ओपनिंग सेरेमनी किया उनका। ये गंगा जमुना का ऑफिस गए बारिश में गिर गया था। यहाँ की जो सुरक्षा बिंद है वो भी उसके साथ गिर गई थी। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हम लोग सभी जन आके यहाँ पे महापालिका के लोगों को बुला के यहाँ का सब कचरा उठाने के लिए उनसे मदद किया था। उसके बाद में बहुत दिनों तक ये ऑफिस बना नहीं था। यहाँ के जो पदाधिकारी है गंगा जमुना के, वो सभी जगह पे गए, उन्होंने सब जगह पे रिक्वेस्ट की थी। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आने के बाद हमारे जो नगर सेवक सुरेश शेट्टी साहब है, उन्होंने ये ऑफिस बांध के देने के लिए हाँ कर दी। और तभी हाँ करने के बाद स्टार्ट किया हम लोग ने, तुरंत ही हम लोग ने ये स्टार्ट किया। लेकिन वही टाइम पे कोरोना आ गया और कोरोना के वजह से यहाँ पे काम होने के लिए डिले हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये LIG टाइप एरिया है। यहाँ के लोगों को अगर कहीं पे प्रोग्राम विग्राम करना होगा तो एक ही है एसोसिएशन ऑफिस है, कहीं पे एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इनका एक ऑफिस अच्छा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा थी। और उस कारण एक अच्छा सुटेबल ऑफिस हम लोग ने यहाँ पे बना के दिया है। यहाँ के लोगों को इससे हेल्प होगी। जो बिल्डिंग बारिश में अक्रोपद में गिर गया, गिर के बहुत तकलीफ होता नहीं होता था, एक साल से ऐसे ही था, किसी तकलीफ हम लोग बैठना गिरना तकलीफ था। ऐसे हम लोग मैंने पत्र बना के अपना शिल्पा स्थानीय नगर सेवक शिल्पा कामले के पास गया, तो सुरेश शेट्टी साहब दोनों मिल के हम लोग को बना के दिया। ये बहुत अच्छा बात है, अच्छा हो गया, हम लोग आगे के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे मेरे को साथ दिया वाला है हमारा कमेटी का आदमी, अपना कैशर या कृष्णा गनवाट, वो पहला बार अपना कृष्णा या सुरेश शेट्टी साहब को मिला बोलते हैं, मिल के बात किया ऐसे ऐसे। फिर हम लोग तुरंत आके सुरेश साहब काम अगले दिन से चालू किया। अभी उनका जो भी काम है हम लोग उसको हेल्प करना पड़ेगा ना, हम लोग को उससे जो हम लोग काम किया अभी उनका भी काम, अभी ये मिलेशन आएगा तो मदद करना, वो तो सवाल ही नहीं आते है, करना पड़ेगा, वो तो हक ही बात है। और सोसाइटी का ऑफिस बनने से ना सब रहवासी लोग, हम लोग को कुछ ना कुछ किधर एक घर में ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी ऑफिस में आके उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो, इसके लिए हम घबरा रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका शिल्पा कांबली ने नेरुल सेक्टर 15 में हल्दी कुमकुम का भी आयोजन किया, जहाँ शिल्पा कांबली ने महिलाओं को हल्दी कुमकुम के साथ उपहार भी दिए। पूर्व नगर सेविका ने कहा कि यह सुहागिनों का त्यौहार है, हम इसे हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस साल कोरोना के कारण थोड़ी बाधा जरूर आई है, लेकिन हम इस क्षेत्र की सभी महिलाओं तक हल्दी कुमकुम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गंगा जमुना ओनर्स एसोसिएशन में हर साल हम लोग हमारी तरफ से हल्दी कुमकुम रखते हैं। यहाँ के महिलाएं हो या बच्चे हो, सुबह अगर अपन झंडा वंदन को आ जाए तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत मात्रा में दिखाई देते हैं। और कोरोना का इफेक्ट
था, लेकिन अभी कोरोना का इफेक्ट कम हो गया, उस कारण मुझे लगता है आज भी भीड़ उतनी ही दिख रही है। लेकिन हम लोग ने ही एक एक करके लोगों को बुलाया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं जमा करनी है। जो अपने महापालिका के नियम है उस अनुसार हम लोग ने यहाँ पे एक एक जन को बुला के यहाँ पे हल्दी कुमकुम देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।